हेलो फ्रेंड्स, ऑपरेशन मैनेजमेंट के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है सेकंड यूनिट के अंदर इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर डैट इज़ द फिक्स ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम या क्यू सिस्टम है। इसकी जो रिटर्न नोट्स हैं वो भी आपको मेरे ब्लॉग पे मिल जाएंगे और इसका जो लेक्चर जितने भी ऑपरेशन मैनेजमेंट के लेक्चर्स हैं वो आपको सारे प्रोडक्शन एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर मिलेगी। देखो, जैसे इसके नाम से ही पता चलता है कि जब भी हमने ऑर्डर प्लेस करना है तो फिक्स क्वांटिटी ऑफ मटेरियल का ऑर्डर प्लेस करना है और जब हमारा स्टॉक जो है एक पर्टिकुलर लेवल तक पहुंचता है, क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने देखो इन्वेंट्री के अंदर ना तो ओवर इन्वेस्टमेंट करनी होती है ना ही अंडर इन्वेस्टमेंट करनी होती है। तो यहाँ पे इन्वेंट्री को कंट्रोल करने के लिए वो फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम जो है यूज़ कर सकती हैं। और फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम के अंदर क्या होता है कि जब हमारा मटेरियल एक पर्टिकुलर लेवल जिसको रीऑर्डर पॉइंट कहते हैं रीऑर्डर पॉइंट तक पहुंच जाता है तो उस वक्त क्या होता है कि ऑर्डर प्लेस कर दिया जाता है। क्योंकि हर एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट के अंदर इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर क्या होता है कि हर एक जो इन्वेंट्री होती है उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम लेवल जो होता है फिक्स किया जाता है और देखा जाता है कि रीऑर्डर लेवल जो है रीऑर्डर पॉइंट जो है किस लेवल पे फिक्स करना है, जहाँ पे हमने ये कई चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी जल्दी हमारे पास मटेरियल आ जाता है। तो यहाँ पे हम रीऑर्डर पॉइंट पे क्या होता है कि जो है ऑर्डर जो है अपना प्लेस करते हैं सप्लायर के पास। और जो फिक्स्ड क्वांटिटी ऑफ मटेरियल होती है ये इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी ही होती है। और देखो, जब जैसे कि इस डायग्राम के अंदर क्या है कि देखो ये जो मटेरियल है ये मैक्सिमम लेवल है और ये जो है मिनिमम लेवल है और ये वाला जो है मिनिमम लेवल है और ये बीच वाला हिस्सा जो है सेफ्टी स्टॉक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि देखो, कई बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर टू बिन सिस्टम होते हैं, एक के अंदर वो सेफ्टी स्टॉक रखते हैं, एक के अंदर वो मटेरियल यूज़ करते हैं। तो देखो यहाँ पे क्या है कि ये इतनी चीज़ें जो इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के अंदर थी वो हमने मंगवाई थी, तो ये टोटल मिलके हमारे पास अब इतना टोटल मटेरियल है। तो उसको क्या होता है कि यूज़ किया जाता है और जैसे क्या होता है कि इस लेवल ये रीऑर्डर पॉइंट बिंदु है, जैसे मटेरियल इस लेवल तक पहुंचता है दोबारा से ऑर्डर जो है प्लेस कर दिया जाता है। कई बार देखो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होता है कि जब मटेरियल का ऑर्डर जो है रीऑर्डर पर प्लेस कर दिया जाता है तो कई बार क्या होता है कि जैसे मान लो कि वहाँ पे जो कंजम्पशन है उसकी अगर इंक्रीज़ हो जाती है या मटेरियल के आने में कुछ डिले हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा सा हिस्सा ये वाला जो है देखो सेफ्टी स्टॉक जो होता है वो भी कंज्यूम किया जा सकता है। तो यहाँ पे नेचुरली फिक्स्ड ऑर्डर क्वांटिटी सिस्टम के अंदर हम देखते हैं कि जो हमारा मटेरियल है इसको हम फिक्स्ड ऑर्डर कि इसके अंदर क्या होता है कि जब हमारा रीऑर्डर पॉइंट पहुंचता है तो वहाँ पे जो हमने इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी फ़िक्स की होती है उसका हम ऑर्डर जो है प्लेस करते हैं। अब हम देखते हैं इसके बेनिफिट्स क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि नेचुरली इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी होती है, रीऑर्डर पे हम भेजते हैं तो हर एक मटेरियल को क्या है कि हम लो कॉस्ट पर एक्वायर कर सकते हैं। और इसके अंदर क्या होता है कि नेचुरली ये एक बहुत ही बड़ी इन्वेंट्री कंट्रोल टेक्निक है और जिसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सनल है क्योंकि वो दूसरी चीज़ों के ऊपर अटेंशन लगाते हैं, क्योंकि यहाँ पे पता होता है कि जब हमारा जो इन्वेंट्री लेवल है रीऑर्डर पॉइंट पे पहुँचेगा तो हमने वहाँ पे ऑर्डर प्लेस करना है। और यहाँ पे क्या होता है कि इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के ऊपर होता है और रीऑर्डर पॉइंट के ऊपर ऑर्डर प्लेस किया जाता है तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी ऑप्टिमम इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट होती है, जहाँ पर हमारी ऑर्डरिंग कॉस्ट भी मिनिमम होती है, कैरिंग कॉस्ट भी जो होती है मिनिमम होती है। अब हम देखते हैं कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या है। देखो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे हम एक रीऑर्डर पॉइंट पे जो है पहुँचता है और ये जो बेसिकली होता है इरेगुलर इंटरवल होते हैं। देखो ये कन्वीनियंट भी नहीं होते कई बार सप्लायर के, क्योंकि कई बार क्या होता है कि किसी मटेरियल की कंजम्पशन ज़्यादा हो जाती है, किसी की कम हो जाती है, तो इसके अंदर क्या होता है कि देखो सप्लायर जो होता है उसके लिए कई बार ये पॉसिबल नहीं होता कि जिस समय आप ऑर्डर प्लेस करते हो वो आपको रिप्लेनिश करे। और यहाँ पे लीड टाइम कई बार अगर हाई हो जाता है तो सप्लायर जो होता है उसके पास क्या होता है कि ऑर्डर पहले ही पेंडिंग होते हैं तो वो आपका जो ऑर्डर है वो सही टाइम पे एग्जीक्यूट नहीं कर सकता। और कई बार इसके अंदर भी क्या होता है कि आइटम्स की हम क्योंकि हर एक आइटम का जो है रीऑर्डर पॉइंट डिफरेंट हो सकता है तो नेचुरली जो हम ऑर्डर करते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि आइटम जो होती हैं वो वेरी करती हैं, तो जिसके अंदर इकोनॉमी प्राप्त नहीं हो सकती। और यहाँ पर हम ये गलत अजम्पशन लेते हैं कि जो मटेरियल हम यूज़ करते हैं वो कॉन्स्टेंट रेट पर कंज्यूम करते हैं और उसका जो लीड टाइम होता है वो भी कांस्टेंट होता है। तो ये इसकी जो है अनरियलिस्टिक अजम्पशन है, इसके जो डिस